नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है, मैं हूं विपुल सिंह। और लगातार नई ऊंचाइयां छूने के बाद बाजार आज शुरुआती कारोबारी सत्र में लग रहा था कि बाजार दायरे में रहता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अब मुनाफा वसूली थोड़ी हावी होती हुई। 77 अंक नीचे इस समय निफ्टी कामकाज कर रहा है। 24,064 का लेवल और 24,056 ये आज का इंट्राडे लो, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही निफ्टी ने बनाया है। इसके अलावा अगर हम बढ़ने गिरने वाले शेयरों की बात करें तो यहाँ पर भी बियर जो है वो बुल्स पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1482 शेयरों में गिरावट है और 1100 शेयर ऐसे हैं जिनमें की मजबूती देखने को मिल रही है। आज की तेजी को कल का ही लीडर आईटी स्टॉक्स जो है वो लीड कर रहा है। वहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन दबाव कहाँ देखने को मिल रहा है? दबाव देखने को मिल रहा है बैंकों में। 1% नीचे बैंक इंडेक्स, पीएसयू शेयरों में लगातार पिटाई हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जहां दबाव देखने को मिल रहा है उसमें पीएसयू बैंक्स अब 2% से ज़्यादा, पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स जो है वो नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। एफएमसीजी शेयरों में आज दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी थोड़ा दबाव है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लगातार मजबूती दिखा रहा था, आज यहाँ पर भी दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये मुनाफा वसूली महज एक सामान्य गिरावट है या फिर चूंकि बाजार अब नए हाईस पे बना रहा है तो क्या अलर्ट रहने की आवश्यकता है? बजट से पहले किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। और लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपके प्रश्नों के उत्तर होंगे। साथ ही साथ वह क्या आईपीओ है, जो आईपीओ खुल रहे हैं कल से, आज जो लिस्टिंग हुई है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। बजिंग स्टॉक्स में समझेंगे कि खबरों वाले शेयरों में क्या करें और आखिर में हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के तो होगा ही। तो सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के हमारे खास मेहमान अरुण केजरीवाल जी से आपको। अरुण सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे, बजट से पहले बाजार की दिशा क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि अभी तक बजट को लेकर के कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, काफ़ी लोगों को चिंताएँ हो रही हैं, कुछ लोग अनुमान भी लगा रहे हैं, लेकिन स्पष्टता नहीं आ रही है कि किस क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस होगा। आपकी क्या सलाह रहेगी बाजार को लेकर के अभी सर? विपुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और अगर आप ये सवाल नहीं पूछते तो मैं इस पे एक मेरी राय जो कहते हैं कि कहना चाहता था। ये ध्यान में रखिए, 3 तारीख और 4 तारीख को जब एग्जिट पोल और फिर चुनावी नतीजे आए थे, वहां पर निफ्टी था करीब 21,200 और सेंसेक्स था कुछ 70,200। अगर वहां से देखें तो लगभग 10,000 की तेजी देखने को मिली है सेंसेक्स में और करीब करीब 3,000 अंकों की तेजी देखने को मिली है निफ्टी में। महीना लगभग पूरा हुआ है, बहुत बड़ा ये एक मूवमेंट है। अब अगर यहां से बजट तक चलते हैं तो करीब 2.5 हफ्ते की का समय बचा है। मेरे ख्याल से बजट का अनुमान लगाया जा रहा है मंगलवार 23 जुलाई को आने की संभावना है, तो आप ये समझिए 3 हफ्ते और बचे हैं। ऐसा नहीं लगता कि बाजार में 3 सप्ताह तक मोमेंटम जारी रखने की ताकत है। कहीं ना कहीं बाजार में एक करेक्शन ये 3 सप्ताह में अवश्य आएगा। मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ा आएगा, जोर से आएगा, लेकिन बाजार को ये नए स्तर जो बनाए हैं कहीं ना कहीं एक स्थिरता, एक बेस वापस बनाना पड़ेगा। और उसके बाद यह ध्यान में रखिए कि बाजार बजट के पेश होने के बाद किस तरीके से चलता है, ये बाजार का एक तरह से बजट का परसेप्शन होता है जो सही मायने में विश्व भर में इसके ऊपर चिंता होगी। पॉलिटिकल पार्टीज इस पे चर्चा करेंगी कि बाजार कैसे रिएक्ट किया। ये सब देखते हुए मुझे ये लगता है कि बाजार के लिए सबसे बढ़िया ये होगा कि आने वाले 3 सप्ताह में एक करेक्शन हो जाए और उसके बाद बजट पेश हो तो बाजार में स्थिरता, मजबूती सब कुछ देखने को मिलेगी। एक आखिरी बात जो आपको बता देना चाहता हूं वो ये कि जिस सप्ताह में बजट आएगा उस सप्ताह में जुलाई का फ्यूचर भी एक्सपायर होगा 25 जुलाई को, तो वो बहुत ही वॉलेटाइल वीक रहेगी। ये निवेशक ध्यान में रखे जब वो आगे जाकर 10 दिन 15 दिन के बाद कारोबार करे। बिल्कुल। और सर, आपके आने की खबर सुनकर के बड़ी संख्या में, पहले से ही कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही मतलब सैकड़ों की संख्या में हमारे पास सवाल आ चुके हैं,
तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल करने की। प्रतीक अग्रवाल जी का पहला सवाल लेते हैं, कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी, नमस्कार आपको भी सर। कह रहे हैं इनके पास 200 शेयर टेक्समैको रेल के लिए रखे हैं इन्होंने 240 पे, और 400 शेयर RVNL के लिए रखे हैं 375 रुपये पे भाव पर। कह रहे हैं कि इसका भविष्य का लक्ष्य क्या हो सकता है, मेरा नज़रिया 6 महीने का है। टेक्समैको रेल की अगर हम बात करें तो अभी 251 पे चल रहा है, और जो इनकी खरीद है उसके खरीद के भाव से ये ऊपर चल रहा है। करीब यहाँ पर इनको जो है 11 रुपये के आसपास का मुनाफा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम RVNL की बात करें तो ये अभी 407-408 के आसपास चलता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है, 2% की आज गिरावट है, लेकिन इनकी खरीद जो है वो 375 रुपये की है, तो यहाँ पर भी इनको मुनाफा हो रहा है। क्या एक बार के लिए मुनाफा बांधना चाहिए या अभी होल्ड करके चलना चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं। नज़रिया इनका 6 महीने का है। विपुल जी, टेक्समैको रेल ने लगभग एक सप्ताह पहले एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था, पिछला जो इसका स्तर था नई ऊंचाई के अंदर में चला गया है। चाल अच्छी है, अगर ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करना चाहें तो ये इनकी मंशा होगी, इनकी इच्छा होगी, बट चार्टिकली शेयर में अभी फिलहाल कोई कमजोरी नहीं दिख रही है। मेरे ख्याल से 20-25 रुपए की इसमें जगह और बढ़ती है जहां से ये शेयर में ब्रेकआउट हुआ था। अगर आप रेल विकास की बात करें तो ये भी रेल से ही संबंधित है, सीमित दायरे में शेयर चल रहा है, इसमें भी एक कहें तो पॉजिटिव ट्रेंड है। अगर ये निवेशित रहते हैं तो ठीक है, अगर इन्हें लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लूं और कहीं पर भी डिप मिले तो हो सकता है 10-12 रुपए के लिए ये एक ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा है टेक्समैको रेल और RVNL पे निकल करके आती हुई। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न रितिका जी का लेते हैं। रितिका जी कह रही हैं, सर गार्डन रिच के 2470 के भाव पर 10 शेयर लिए हुए हैं, क्या हमें और ऐड करना चाहिए और कब तक होल्ड करना चाहिए? ये गार्डन रिच पे, हालांकि आज हम बजिंग स्टॉक्स में भी इसको हम चर्चा में लेकर के आएंगे, लेकिन रितिका जी का सवाल है तो इसको हम डिस्कशन में लेकर के आते हैं। क्या शानदार मूव देखने को मिला है गार्डन रिच में, और लगातार इस शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। कुछ एक खबरें क्या है वो हम आपको बजिंग स्टॉक्स में बताएंगे, लेकिन एक जनरल व्यू ले लेते हैं। हालांकि इनकी खरीद से नीचे है, चूँकि इन्होंने 2470 पर खरीदा हुआ है, अभी 2360 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है शेयर। पिछले एक महीने में 66-67% का रिटर्न यहाँ पर आया है, पिछले 6 महीने में 173% का रिटर्न। सर थोड़ा सा ऊपर इन्होंने खरीदा हुआ है, अच्छी खासी रैली के बाद लिया हुआ है, क्या सलाह रहेगी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को लेकर के आपकी? विपुल जी, मैं चार्ट पे देख रहा हूँ, मुझे कल तक ये भाव दिखा नहीं, तो या तो इनका कहीं ना कहीं भाव में कुछ फर्क है, हो सकता है सर इनकी टाइपिंग एरर हो गई हो, 2370 हो या फिर कुछ और भाव हो। तो रितिका जी अगर कार्यक्रम देख रही हैं तो सही भाव आप हमें बता दीजिएगा, लेकिन वैसे हम एक जनरल व्यू डिस्कशन में ले आते हैं गार्डन रिच को। लेकिन शेयर में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट निकला है, शेयर अप ट्रेंड में है, नई सीमाओं को छूने की ताकत रखता है, और जिस हिसाब से डिफेंस शेयरों में, ये भी एक शिप बिल्डिंग शेयर है जो डायरेक्टली शिप डिफेंस से जुड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टीम बाकी है शेयर में। आप अगर निवेशित हैं तो निवेशित रहिए, मेरे ख्याल से कुछ न कुछ और आपको ऊंचाई देखने को मिलेगी। चलिए, निवेशित हैं तो बने रहिए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। और अगला प्रश्न लेते हैं राजू मैती जी का, कह रहे हैं कि जय हो मनी नाइन की, आप दोनों को नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार है राजू जी। कह रहे हैं मेरे पास GMR एयरपोर्ट के 400 शेयर हैं, 96 रुपये की खरीद है, आगे क्या करें प्लीज़ बताएं, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। सर शॉर्ट टर्म का नज़रिया GMR पे अभी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शेयर बार बार जा करके 100 रुपये के आसपास एक रुकावट यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, 100-101 के आसपास, और मुझे लगता है कि अगर ये पार करेगा तो हो सकता है कुछ मूव दिखाई दे। सर यहाँ पर काफ़ी सारी खबरें भी रहीं, जो है उन खबरों के चलते मूव भी बीच बीच में आते रहे, लेकिन 100 रुपए की बाधा को ये पार नहीं कर पा रहा है मजबूती के साथ। आप कैसे देख रहे हैं जी हमारे एयरपोर्ट को? विपुल जी, एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, ये जो लेवल्स हैं अक्सर देखा गया है कि शेयर यहाँ पर जो एक बाधा में या दीवार में जाकर भिड़ जाता है, उसे बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है इसे क्रॉस करने के लिए, और जब वो क्रॉस करता है, मान लीजिए ये शेयर 100 रुपए क्रॉस कर लेगा
तो देखते देखते ये 115 120 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वो दीवाल को या दीवाल को छलांग लगाने के लिए ये चेष्टा कर रहा है, बहुत पीछे जाकर इसे आगे आना पड़ता है। तो चेष्टा जारी है, कब सफल होगी आप और मैं दोनों देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखते हैं कब ये 100 रुपए की बाधा को पार कर पाता है। तो यहाँ पर अब हमारे साथ शौभित जी जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए, फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। शौभित जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर, आप वापस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे सर, थैंक यू सर। कैसे लग रहे हैं मणि नारायण के कार्यक्रम, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? अरे सर, मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। करीबन 1-2 महीना हो गए हैं आप लोग के, आपके मतलब ज्यादातर मनी लाइन के सारे मैं प्रोग्राम देखता हूँ। अरुण सर को भी मेरा नमस्कार मिलेगा। नहीं नहीं बिल्कुल, अरुण जी आपको सुन रहे हैं, आपके नमस्कार को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। बताइए सर, आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर वैसे तो दो हैं, लेकिन मैं आपसे बॉम्बे टाइम के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैंने अच्छा, काफी पहले 4-5 साल पहले 121 के रेंज में रखा था, 200 शेयर। अच्छा काफी समय से तो ये नॉर्मल चल रहा है, लेकिन पिछले करीबन 10-15 दिन से ये भाग रहा है ऊपर। तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। वैसे मैं शिवा सीमेंट के बारे में भी जानना चाहता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो बताइएगा। उसकी खरीद 15 रुपीज की है। 15 रुपए पे खरीदे शिवा सीमेंट आपने? जी। अच्छा ठीक है, दोनों पे ही बातचीत कर लेते हैं। बॉम्बे डाइंग आपने बहुत अच्छे भाव पे लिए हुए हैं, 121 रुपए की आपकी खरीद है और 209 के आसपास चल रहा है। हालांकि अभी आज 2.25% नीचे यह शेयर ट्रेड करता हुआ, पिछले एक महीने में 25-26% की रैली यहां पर अवश्य देखने को मिली है। लेकिन हाँ, जिस तरह की रैली बाजार में रही है वैसी रैली यहां पर देखने को नहीं मिली है सर। इनको मुनाफा अच्छा हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो दायरे में है उसको लेकर के थोड़े से चिंतित हैं। 4-5 साल पहले इन्होंने लिए थे, पैसे इनके ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का समय है क्या बॉम्बे डाइंग में? और उसके बाद शिवा सीमेंट पर बात करते हैं, पहले आपकी राय बॉम्बे डाइंग को लेकर के। 7-8 दिन पहले ये शेयर ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। पिछले जो दो इसके हाई बने थे उसको बड़े शानदार तरीके से क्रॉस किया है। मोमेंटम जारी, और जगह बता रहा है बढ़ने के लिए। निकलने के लिए जल्दबाजी न करें, आपको यहां से 15-20 रुपए का एक अपमूव और मिल सकता है। जब भी वो आपको दिख जाए और आपको लगे कि थोड़ी सेफ्टी करनी जरूरी है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपनाकर अपने प्रॉफिट को कैप्चर कीजिए, जिससे कि अगर उसके बाद गिरता भी है तो आपका बेस प्रॉफिट इंटैक्ट रहता है। जी, और अब शिवा सीमेंट, शोभित आप हमारे साथ बने हुए हैं अभी? चलिए लगता है बस डिस्कनेक्ट हो गए। 15 रुपये शायद इन्होंने बताया था भाव, मुझे नहीं पता इन्होंने कब लिए, शायद चुकी है 4-5 साल का इनका नज़रिया रहा है। बॉम्बे डाइंग भी 4-5 साल पहले लिए थे, तो हो सकता है उसी समय के पड़े हों। 15 रुपये पे लिए हुए हैं, अब ये शेयर 52 का हो गया है। क्या करना चाहिए सर? अच्छी खासी रिटर्न यहाँ पर मिल रहे हैं और करीब करीब 3-4 गुने हो गए हैं इनके खरीद के भाव से। हालांकि अभी इसमें अंडर परफॉर्मेंस जरूर रही है, पिछले 6 महीने में महज 6% की रैली देखने को मिली है। पूरे साल की बात करें तो 10% का रिटर्न यहाँ पर आया है, लेकिन इनकी खरीद का भाव काफ़ी अच्छा है। तो क्या आप, चूंकि सुस्ता रहा है, हालांकि सीमेंट शेयरों में हमने देखा पिछले दिनों में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है, क्या करना चाहिए? एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें क्या? विपुल जी, दो चीज। शिवा सीमेंट ने कुछ समय पहले, लगभग 3-4 महीने पहले, एक कोई राइट इश्यू भी करी है। इसमें इन्हें अवश्य शेयर मौजूदा स्तर से सस्ते भाव में मिला होगा, तो इसका भी इनको लाभ मिला होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये शेयर एक सीमित दायरे में घूम रहा है, लेकिन ये राइट को लेकर इनको अच्छा खासा पैसा मिला है। अगर ये चाहते हैं इसे बेचकर कुछ और लें, अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि ये सीमित दायरे से निकले उसके लिए इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ये समझिए, 60 रुपए के ऊपर जाकर मेंटेन करेगा, तब जाकर इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। उसके लिए एवरेजेस भी सब इसके अगेंस्ट में हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और क्योंकि ये राइट का भी एक ऑप्शन था इनको 3 महीने पहले, तो कुछ ना कुछ इन्होंने अवश्य लिया होगा, ऐसा लगता है। ठीक, चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगले दर्शक बरखा जी ने हमको प्रश्न भेजा हुआ है, बरखा जी का सवाल लेते हैं। कह रही हैं कि विपुल सर मेरा क्वेश्चन आज तो ले लीजिए। बिल्कुल बरखा जी, आपका सवाल जो है आज के कार्यक्रम में शामिल हो गया है। कॉन्कॉर के ऊपर, एक और रेलवे शेयर के ऊपर इनका प्रश्न है। 100 शेयर लिए हुए हैं 1050 के भाव पे, और उन्होंने कहा कि मैंने ये सिर्फ बजट तक के लिए खरीदे हुए हैं, प्लीज़ सजेस्ट करें और कितना गिरेगा और कहाँ पर इनको एवरेज करना चाहिए।
तो कॉन्कर पे अगर हम नज़र डालें कि क्या भाव यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, तो अगर हम देखें तो 1022 के आसपास से ये शेयर ट्रेड करता हुआ अभी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सर क्या सलाह रहेगी आपकी कंटेनर कॉरपोरेशन को लेकर के, 1022 के आसपास चल रहा है, इन्होंने 1050 पे लिए हुए हैं, बजट तक का ही नज़रिया है, तो अभी क्या करना चाहिए बरखा जी को? ऐसा लग रहा है कि ये 1000 रुपए के आसपास आ सकता है अगर बाजार में गिरावट आती है, और वहां पर इसे सपोर्ट मिलना चाहिए। तो अगर ये एवरेजिंग करना चाहते हैं तो 10-15-20 रुपए की गिरावट और देखने के बाद एवरेज करें, क्योंकि इनका इनका नजरिया छोटा है, लगभग 3 सप्ताह का है, तो उस हिसाब से ये इसे ट्रेड करें कि 15-20 रुपए नीचे आए तो एवरेज करें, और जब इंप्रूव हो और इनकी कॉस्ट के ऊपर चला जाए तब ये बेच सकते हैं। रेलवे क्षेत्र में बजट में कुछ न कुछ पॉजिटिव आने की संभावना पक्की है, क्योंकि जब जो वंदे भारत ट्रेन पैसेंजर के लिए जो होना था बहुत कुछ हो चुका है, अब फ्रेट जो रेलवे के लिए पैसा कमाती है इसके अंदर में बहुत ज्यादा नए प्रोग्राम्स रूट्स सरकार के तरफ से आने चाहिए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। सर चूंकि आपने रेलवे की बात की है तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पसंदीदा रेलवे का शेयर कौन होगा, और जो लोग रेलवे में अभी निवेशित हैं उनके लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको लगता है, या जो लोग खरीदना चाह रहे हैं क्या अभी भी खरीदारी के मौके हैं कहीं पर, चाहे वो RVNL हो, चाहे टेक्मेको हो, IRCTC हो, IRFC हो, या अगर इन 4-5 कंपनियों की बात करें जिस पर काफ़ी सारे सवाल आते हैं, तो आपकी सलाह क्या रहेगी रेलवे को लेकर के? विपुल जी, सरकारी कंपनियां जो है रेलवे की, अगर आप उनकी बात करें तो इनमें एक बहुत शानदार रनअप फरवरी तक हुआ था, उसके बाद में थोड़ा सा इसमें एक करेक्शन साइडवेज मूवमेंट आया, और ये जो आपके जो 3 और 4 जून को जो मूवमेंट हुआ था उसके बाद में थोड़ा सा साइडवे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। नया मोमेंटम अभी तक इन शेयरों में बन नहीं पाया है, सभी शेयर चेष्टा कर रहे हैं, क्या बजट एक ट्रिगर होगा इनके लिए ये देखना होगा, बहुत जरूरी है कि एक ट्रिगर आए ये शेयर वापस चलने के लिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के तौर से अगर आप बात करें तो RVNL और IRCON दो ऐसे शेयर हैं जिसमें आपको 15-20 रुपए का मूव 4-5 दिन के दायरे में मिलता है, अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो ये दो शेयर हैं जिसमें ये किया जा सकता है। चलिए, तो IRCON और RVNL ये दो शेयर रेलवे के ऐसे हैं जहां पर आपको एक अपमूव जो है वो देखने को मिल सकता है, ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए, अगले दर्शक राहुल दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राहुल जी को नमस्कार। सर नमस्कार। सर मैं राहुल, दरभंगा बिहार से। अच्छा, दरभंगा। जी जी, क्या करते हैं राहुल आप? सर स्टूडेंट हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और पढ़ाई के साथ साथ शेयर बाजार में भी रुचि है आपकी। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाल फिलहाल से ही इन्वेस्टिंग शुरू किया है। अच्छा, हाल फिलहाल में ही शुरू किया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो दरभंगा में मई 9 को लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं? सर मैं YouTube के माध्यम से आपके इस चैनल से जुड़ा, पिछले 1 महीने से मैं लगातार आपके इस शो को देख रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मिल रही है। जी चलिए, अच्छे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और भी अपने जो दोस्त हैं, जो परिवार के लोग हैं, उन तक भी हमारे कार्यक्रम को पहुंचाइए, ताकि पूरे बिहार में जो है ये और पूरे देश में जो है हमारे चैनल को और ज़्यादा लोकप्रियता मिले। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास साम्यवादी मदरसन इंटरनेशनल के 300 शेयर मैंने ले रखा है, आप 162 के भाव के, और लॉन्ग टर्म का नजरिया, मुझे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट नहीं करना है। 162 के भाव पर आपने संवर्धन मदरसन के इंटरनेशनल के शेयर लिए हुए ना? जी सर। कब लिया था आपने सर ये? सर ये करीब हो गए 1.5-2 महीने हो गए। अच्छा, चलिए अच्छे प्रॉफिट में है आप तो, 162 पे आपने लिए हैं, 202 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और पिछले 1 महीने में खास तौर से काफ़ी अच्छी रैली रही है, 35% के आसपास का की रैली जो है 1 महीने में आती हुई दिखाई दी है, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म है सर, 5-7 साल का मेरा। चलिए, 5-7 साल का नजरिया है, लेकिन रिटर्न आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो क्या प्रॉफिट को एक बार के लिए बांधना चाहिए या नहीं, ये पूछते हैं अरुण जी से।
अरुण सर, पिछले 6 महीने में 92%, 1 महीने में 35%, काफ़ी अच्छी रनअप यहाँ पर आ चुका है। क्या यहाँ पर इनको मुनाफा बुक करना चाहिए या जो कि इनका नज़रिया काफ़ी लंबी अवधि का है, होल्ड करके बने रहना चाहिए? आपकी सलाह क्या होगी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल को लेकर के? सर, अगर आप देखें तो ये शेयर में अब एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है पिछले 5-7 दिन से, और यहाँ पर शेयर कंसोलिडेट करने की चेष्टा कर रहा है। बड़ी शानदार रैली हुई है उसके पहले, मेरे ख्याल से एक बार इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और उसके बाद जब करेक्शन हो तो इसमें री एंट्री करें, या अगर आपको कोई बड़ा करेक्शन नहीं मिलता तो आप और कोई शेयर में, ये आपका जो पैसा मुनाफा इसमें से आता है वो निवेश कीजिए। बट इसमें से ऐसा लगता है कि कुछ समय और लगेगा इस शेयर को वापस एक नए मूव में आने के लिए, क्योंकि शानदार मूव के बाद करेक्शन नहीं हुआ है, शेयर सिर्फ साइडवेज चला है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई पंकज जी से बातचीत कर लेते हैं। पंकज जी को नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, मैं पंकज बोल रहा हूँ बेंगलोर से। बैंगलोर से बोल रहे हैं, चलिए आज बहुत सारे दर्शक हमारे बैंगलोर से जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कैसे हैं पंकज आप? सर मैं अच्छा हूँ सर। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है, सेंट्रल बैंक का मैं परचेज किया है 66.77 रुपीज पे, 874 शेयर है हमारे पास। अच्छा, 874 शेयर आपने 66.77 पे लिए हुए ना? राइट। अच्छा, और नजरिया क्या है आपका सर, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? अभी 1-2 महीना रुक सकते हैं। 1-2 महीने रुक सकते हैं, लेकिन आजकल बैंकों की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, थोड़ी सी पिटाई हो रही है आजकल, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी उससे अछूता नहीं रहा है। पिछले 1 महीने में करीब 13-13.5% टूट चुका है शेयर। अभी क्या करना चाहिए सर, बैंकों को लेकर के आपकी राय क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर खासतौर से, और इसी सेंट्रल बैंक पे तो इनका सवाल है ही। मिस्टर चौधरी जी कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, कैसे हो आप? मनी नाइन मेरा फेवरेट चैनल है, मनी नाइन से बहुत हेल्प होती है। इनके पास बैंक ऑफ इंडिया के शेयर हैं 122 रुपये के भाव पर। सर बैंकों को लेकर आपका व्यू, और ख़ासतौर से सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। सर देखिए, बैंकों में नेगेटिविटी नहीं है, प्रदर्शन ठीक है, लेकिन क्योंकि रनअप बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा हुआ है, ये अब कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप सेंट्रल बैंक की बात करें तो फरवरी में जो एक हाई हुआ था उसके बाद करीब करीब 3.5-4 महीने लगभग निकल चुके हैं और शेयर उस ऊंचाई पर वापस नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि शेयर गिरा है, एक सीमित दायरे में घूम रहा है, 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए के ऊपर नीचे में चल रहा है। इसमें निवेशक थोड़ा सा, इसे कहते हैं, निराश भी हो जाता है, क्योंकि उसका शेयर ऊपर आता है और फिर गिर जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो दौर है ये कुछ समय तक और चलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में एक और चीज का थोड़ा सा जो कहते हैं डर है कि शायद इस बजट में कुछ डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, क्योंकि जो छोटे मझोले सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है इनमें सरकार की हिस्सेदारी 75% से ऊपर चल रही है, तो शायद इस बजट में कुछ डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात हो जो इन शेयरों पर एक दबाव का कारण बन सकता है। ठीक सर, इस बीच जो है एनएस के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, कोई बात नहीं, लेकिन कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, मैं असम से हूँ। चलिए बहुत अच्छी जगह से हैं सर, बहुत खूबसूरत जगह से हैं आप। मझगांव डॉक के बारे में बताइए, 4180 पे इन्होंने लिया हुआ है 11 शेयर, कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए? सर मझगांव डॉक के साथ साथ अभी हमने गार्डन रिच की भी बात की, ओवरऑल डिफेंस को लेकर के आपका व्यू क्या बन रहा है? क्या बजट के अंदर यहाँ पर कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है? क्या अच्छी रैली आ चुकी है, क्या ये समय प्रॉफिट बुक करने का है, या फिर अभी भी आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा वेट करना चाहिए? आज 0.25% नीचे है मझगांव डॉक का शेयर, 4338 का लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है, और जो इनकी खरीद है वो है 4180, तो 200 रुपये के आसपास इनको प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर। क्या सलाह रहेगी आपकी मझगांव डॉक और ओवरऑल डिफेंस पे, आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे? दो चीज विपुल जी, बजट में क्या आ सकता है? बजट में डिफेंस के ऊपर जो सरकार खर्च करेगी या आउटले रखेगी उसका एक फिगर आएगा, तो उससे एक अंदाजा लगाया जाएगा
कि जो शिप बिल्डिंग की तीन कंपनी है, गार्डन रीच, मजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड, उनको कितने रुपए का नया ऑर्डर शिप्स बनाने के लिए मिल सकता है। दूसरा, ओवरऑल ये कंपनियों को भारत के अलावा कुछ एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर मिलने लगे हैं, जो इनके लिए एक पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप शेयर की चार्ट की बात करें तो ये भी एक कंसोलिडेशन स्टेज आ गया है। काफी जल्द इसमें एक शार्प बढ़त हुई थी और शेयर 2400-2500 स्तर से लेकर 4400 तक, 4500 तक चला गया था। तो करेक्शन की उम्मीद है। अगर ये प्रॉफिट करके थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं तो हो सकता है 5-7% नीचे भी इनको एक वापस मौका मिल जाए ये शेयर में निवेश करने का। जी, ओवरऑल सर क्या व्यू है आपका डिफेंस को लेकर के, जो मेरा सवाल था कि क्या डिफेंस में अभी बने रहना चाहिए या आपको लग रहा है काफी रैली आ चुकी है, एक बार करेक्शन थोड़ा हो जाए उसके बाद फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? सर देखिए, नए नए अपॉर्चुनिटीज पेश करते हैं, क्योंकि इसमें रनअप सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों के साथ हुआ था, उसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र के साथ हुआ था, तो इसमें जितने पॉजिटिव ट्रिगर हैं काफी हद तक पूरे हो चुके हैं। बिना एक करेक्शन के यहाँ पर अब निवेश थोड़ा सा रिस्की हो रहा है। थोड़ा रिस्की हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, काफी रैली आ चुकी है। और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, नितिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन जी को नमस्कार। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे आप सर? हम बहुत अच्छे हैं आपसे बात करके, और अच्छे हो गए, आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ, पुणे से बात कर रहा हूँ। अरुण सर को भी नमस्कार। हाँ हाँ बिल्कुल, अरुण जी आपको सुन रहे हैं और आपके नमस्कार को उन्होंने स्वीकार किया है। पुणे में मौसम कैसा है सर? सर बारिश हो रही है बस। थोड़ी बारिश यहाँ दिल्ली में भी करवा दीजिए सर, यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ रही है। एक दिन बारिश होती है उसके बाद से जिस तरीके से उमस बढ़ रही है। जी बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मेरे पास BELK ना 350 से 75 रुपए से, 75 रुपए से। 75 पे ले रखे हैं आपने BEL? कब लिए थे सर? जी सर, 3 साल पहले, 3 साल पहले लिए थे। 3 साल पहले? तो पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, आप अच्छे प्रॉफिट में हैं, आपको तो मिठाई के साथ फोन करना चाहिए था, सवाल पूछना चाहिए था। आइटम भेज दीजिए, तरह के पेड़ भेजूंगा। अरे सर थैंक यू, थैंक यू, आपने कह दिया हमने खा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए 75 रुपए में आपके पास 350 शेयर हैं, अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 3 साल तक और। अच्छा, और 3 साल तक, चलिए बहुत अच्छा नजरिया है आपका, लंबी अवधि का नजरिया है सर। 3 साल से होल्ड करके रखे हुए हैं, 3 साल और होल्ड करना चाहते हैं। एक और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, काफ़ी शानदार मूव, 75 रुपये पर लिए, 305 का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ा सा जरूर कंसोलिडेशन एक महीने में देखने को मिला है, 4% के आसपास का करेक्शन रहा है पिछले एक महीने के अंदर, लेकिन इस शेयर ने भी काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं पिछले 6 महीने में 67%, और पूरे साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 146-147% का रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 साल का नजरिया है, क्या होल्ड कर सकते हैं? विपुल जी, दो चीज है, इनको जो भी रिटर्न मिला है ये पिछले 12 महीने में मिला है, उसके पहले शेयर एक तरह से एक सीमित दायरे में घूम रहा था। इनके पास दो अपॉर्चुनिटी है या दो विकल्प है, ये इन्हें चुनना है क्या करना है। अगर इनके पास में और कोई शेयर है जिसमें ये निवेश करना चाहते हैं, आधे शेयर बेचकर प्रॉफिट बुक करके दूसरा शेयर ले लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब का आपको रिटर्न मिला है लगभग 150% का एक साल में, ऐसी उम्मीद नहीं है कि आने वाले साल में आपको 100 या 150% की रिटर्न और इस शेयर में मिल जाए। दूसरा विकल्प ये है कि इसमें से आप निकल जाए और कोई शेयर खोजिए। मेरे ख्याल से फिलहाल इसमें चार्टिकली ऐसा नहीं लगता कि एक बड़ा मूव फिलहाल आने वाला है। ठीक, अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं सर, 75 रुपए का शेयर 300 हो गया, और कितना रिटर्न चाहिए आपको? एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इसी तरह का कोई और शेयर आइडेंटिफाई कीजिए जहां पर आपको और अच्छा मुनाफा मिलता हुआ दिखाई दे, या फिर ये शेयर अगर गिरता है, काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है, दोबारा एंट्री अगर आपको लगे तो थोड़ा पार्शल पैसे जो है मुनाफे के होंगे उसमें से कुछ लगा सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा भी चाहें तो मुनाफा बुक कर लेंगे आप किराए, क्योंकि काफ़ी रैली आ चुकी है, अब ऐसी रैली आपको देखने को शायद ना मिले। चलिए हमारे साथ अगले दर्शक का सवाल लेते हैं, और IRB इंफ्रा के ऊपर सवाल हमें भेजा है GB रिसर्च जी ने, कह रहे हैं मुझे ये शो बहुत पसंद है, जो भी नॉलेज मिलती है बहुत ही हेल्पफुल होती है सर,
मैंने आरबी इंफ्रा के 100 शेयर लिए हुए हैं 71 रुपये के भाव पर, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। आईआरबी इंफ्रा पे अगर हम नज़र डालें तो काफ़ी जो है जो स्तर इस समय देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 64-65 के आसपास चल रहा है, आज 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन पूरे एक महीने की बात करें तो करीब 11-11.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहां पर आता हुआ दिखाई दिया। एक अच्छी रैली, एक अच्छी चाल शेयर में यहां पर भी देखने को मिली, और साल भर की अगर हम बात करें तो 140% का रिटर्न है यहाँ पर है, लेकिन अब थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनकी खरीद 71 की है तो इनको 6-7 रुपये का नुकसान हो रहा है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी? सर अगर चार्ट देखे तो ऐसा लगता है कि शेयर साइडवेज मूवमेंट में है, अपना नया बेस खोजने की तैयारी में है, और इसको इसके लिए जो इसके शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एवरेजेस है वो फिलहाल दबाव बनाकर रखे हैं, तो हो सकता है शेयर को पॉजिटिव होने में अपवर्ड मूवमेंट वापस शुरू करने में कुछ समय और लगे। इनके पास में अगर होल्डिंग पीरियड है 3-4-6 महीने की तो होल्ड बेशक करें, उस पीरियड में बेस बॉटम बनाकर ये शेयर वापस ऊपर चलेगा, बट फिलहाल अगले 10-15 दिन में एक कोई बड़ा मूव आ जाए ऐसा नहीं लग रहा। चलिए तो ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई, और इस बीच राहुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और 850 से ज़्यादा दर्शक जो है वो हमारे साथ इस समय खाली YouTube पर लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सके इस लिंक को जो है अपने तमाम WhatsApp ग्रुप पे अपने परिवारजनों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुँच हो सके, और तमाम जो नेगेटिव खबरें, गलत खबरें बाजार के बारे में, बाजार को लेकर के फैलाई जा रही हैं, उन सब से लोग बच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और राहुल जी से बातचीत करते हैं। राहुल जी को नमस्कार। सर मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जयपुर राजस्थान से, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत खूबसूरत जगह से बोल रहे हैं, पिंक सिटी से आप, बताइए सर क्या सवाल है आपका? सर आप दोनों का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर ने ही अभी बताया था कि इंद्रप्रस्थ के 212 शेयर लिए थे मैंने 472 के भाव से 21-22 जून के समथिंग, अभी 10 दिन पहले। अच्छा हाँ 10 दिन पहले सर ने रिकमेंड किया था तभी लिए थे, और अभी उसमें 10,000 की समथिंग प्रॉफिट हो रहा है, तो अभी उसमें मुनाफा करूं या उसको होल्ड करके रखूं अभी? चलिए तो आपने 472 पे लिए थे, 519 का भाव देखने को मिल रहा है, 1% आज जरूर नीचे है, लेकिन इनको 10,000 रुपये का मुनाफा हो रहा है, आपके कहने पर ही इन्होंने खरीदे हैं, अब 10,000 रुपये के प्रॉफिट पर हैं। क्या ये प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए, क्या टारगेट यहाँ पर आप सजेस्ट करेंगे सर IGL को लेकर के राहुल जी को? विपुल जी जब मैं शेयर रेकमेंड करता हूँ तो टारगेट प्राइस देता हूँ, मेरे ख्याल से वो टारगेट प्राइस अचीव हो गया था, आज का हाई 537 रुपए है, तो अगर उन्होंने उस टारगेट प्राइस पे ध्यान दिया होता तो इनके पूरे पैसे आ जाते, और इन्हें वापस अगर एंट्री करने का मौका चाहिए था तो वो भी मिल जाता। ध्यान दीजिए टारगेट प्राइस पर, अगर वो उसके आसपास आ जाता है तो ऑर्डर स्क्रीन पे डाल दीजिए, जिससे कि बाजार में वो आने पर आपका माल बिक जाए, वापस कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा आज बाजार में दबाव है तो ये शेयर भी नीचे आया है, आपको वापस एक मौका मिलेगा वो टारगेट प्राइस आने का। ठीक, तो सर एक बार के लिए इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अभी 520 के आसपास? सर इनकी इनकी मर्जी है, मैंने मेरे ख्याल से याद बराबर नहीं है, बट 535-540 के बीच का एक टारगेट प्राइस दिया था, बिल्कुल वो प्राइस वापस आ सकता है, अगर ये चाहें तो बुक कर ले, अगर ये चाहें तो 2-4 दिन की राह देखें। 2-4 दिन की राह आप देखना चाहते हैं देख लीजिए, वरना चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, टारगेट जो दिया गया था वो अचीव हो गया है, इसीलिए हम आपको लगातार कहते हैं कि लक्ष्य और स्टॉप लॉस, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों पर जो है विशेष ध्यान दीजिए, और जहां पर आपके लक्ष्य के आसपास पहुंचता है शेयर तो अपना मुनाफा बुक कर लीजिए, फिर मौका मिलेगा, फिर वहां पर क्या नए लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो हम हमारे अरुण जी से पूछ करके आपको बताते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और अगला सवाल जो हमें भेजा गया है मोहम्मद साजिद साहब की तरफ से और भी कई लोगों की तरफ से हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन को लेकर के आ रहा है, कह रहे हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में अभी क्या करना चाहिए। कल भी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में काफ़ी सवाल आ रहे थे, आज भी हम देख रहे हैं कि सवाल हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे आ रहे हैं, 47 के आसपास चल रहा है, 2.5% नीचे है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का शेयर, अभी सर क्या करना चाहिए? अच्छी रैली रही है, पिछले एक महीने में 22-23% चल चुका है, पिछले 6 महीने में 70% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, इन लेवल्स के आसपास क्या करना चाहिए सर?
तो देखिए, शेयर ने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है, मल्टीपल टॉप्स जो बनाए थे उनको सब पूरा किया है। बंबई में जो एक कोस्टल रोड बन रहा है और जो पहले सीलिंग बना था वो सीलिंग पूरा नहीं हुआ था, अब हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन उसे पूरा कर रहा है। प्रदर्शन कंपनी का काफी टर्न अराउंड हुआ है, तकलीफ में थी कंपनी जब से इन्होंने वो लवासा का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो एक नया सिटी बनाना चाहते थे पुणे के पास। काफी कुछ उससे वो अब निकला है, ठीक ठाक हो रही है कंपनी, निवेशित रहिए इस भाव में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, टारगेट्स थोड़े और ऊपर के हैं शेयर के लिए। ठीक, चलिए अनिल कुमार जी का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं मनी टाइम की टीम और अरुण सर को नमस्कार, और कह रहे हैं मनी नाइन मेरा पसंदीदा शो है। मेरे पास एचएल के आरबी इंफ्रा पर इनका सवाल है। आरबी इंफ्रा सर, आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे, बहुत डिटेल में अभी बातचीत हुई है तो आपको उत्तर मिल जाएगा, लेकिन एचएल का फिर सवाल ले लेते हैं। और ये इनके पास 5400 के भाव पर इन्होंने 6 शेयर ले रखे हैं, कह रहे हैं कि 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। एक और डिफेंस क्षेत्र पर सवाल आया हुआ है, और आज मुझे लग रहा है कि जो हम मनी मास्टर शाम को 8 बजे लगाते हैं उसका थम जो है वो डिफेंस क्षेत्र के इर्द गिर्द ही रखा जाएगा। सर क्या सलाह रहेगी? एचएल में काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर भी देखने को मिला है, 5354 का स्तर देखने को मिल रहा है और इनकी खरीद का जो भाव है 5400 है, तो थोड़ा ऊपर इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन ये शेयर भी क्या चला है? मतलब बाकी जगहों पर हमने देखा बीच बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन, तमाम चीज़ें देखने को मिली हैं, लेकिन एक तरफा इसने रैली दिखाई है। हाँ, इस महीने जरूर जो है पिछले एक महीने में थोड़ी सुस्ती रही है, 1% ही चला है, लेकिन पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो गया है शेयर। आपकी सलाह क्या रहेगी सर एचएल को लेकर के, और एक बार फिर से वही डिफेंस क्षेत्र को लेकर के आपकी टिप्पणी में जानना चाहूँगा। विपुल जी, बजट जो आएगा वो तय करेगा कि डिफेंस के ऊपर क्या खर्च करेगी सरकार, बट क्योंकि अपने अगल बगल की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें ऐसा नहीं लगता कि सरकार कहीं पे भी इस क्षेत्र पे कटौती करेगी। अपने को अपनी सुरक्षा अपने सीमाओं पे अवश्य रखना है, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट इस शेयर को लेके, इस क्षेत्र को लेके बजट में आएगा, जिसका इस कंपनी को भी लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे आपने भी अभी कहा, पिछले एक महीने से शेयर एक सीमित दायरे में चल रहा है, बहुत ही छोटा दायरा है, इससे निकलने के लिए तैयारी करने के बाद ही एक नया मूव इस शेयर में आ सकता है। निवेशित रहिए, और अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए। ठीक है, तो अभी निवेशित रहिए, ये आपके लिए फिलहाल राय निकल करके आती हुई। अमनप्रीत जी हमारे साथ गुरदासपुर पंजाब से जुड़े हुए हैं। अमनप्रीत जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अमन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बढ़िया, मैं आपके बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अरे सर, थैंक यू थैंक यू, और आप जैसे जो दर्शक हैं उसी की वजह से जो है ये कार्यक्रम इतना सफल बन रहा है। क्या करते हैं सर गुरदासपुर में आप? सर मैं खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न है सर आपका? मेरे पास शो को ले लेने के 100 शेयर है 190 के भाव पे। किस भाव पे लिए सर आपने? 190। अच्छा, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर साल बाद, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए, चलिए ठीक है। ये शेयर ने भी थोड़ा सा थकाया था बीच में, लेकिन अब इसमें भी रफ्तार लौटती हुई, 190 पे लिया हुआ है, 235 का भाव है, तो यहाँ पर इनको ठीक ठाक मुनाफा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी अशोक लेलैंड को लेकर के, 1 साल होल्ड कर सकते हैं, क्या अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी कि क्या बने रहें अभी अशोक लेलैंड में? विपुल जी, चार्ट के ऊपर अगर आप देखें, ये भी एक सीमित दायरे में आके पिछले 15 दिन से फंसा हुआ है, एक अच्छी खासी रैली करके अगर इन्हें मुनाफा आ रहा है और ये निकलना चाहें तो बेशक निकल सकते हैं। करेक्शन आए तो इस शेयर में वापस घुसे या और किसी शेयर में निवेश करें, ये इनके लिए राय है। लेकिन फिलहाल जो ये कंसोलिडेशन का फेज है, इसमें हो सकता है इन्हें समय लगे। ठीक है, तो हो सकता है आपको थोड़ा समय जो है वो ज़्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन जो है ये सलाह यहाँ निकल करके आती हुई आपके लिए। एक हमारे रॉय सेनापति जी हैं, कह रहे हैं कि जय श्री राम विपुल सर, आपका शो रोज़ देखता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप नियमित रूप से नियमित दर्शक हैं हमारे। कह रहे हैं कि जस्ट डायल 1041 पे 19 शेयर लिए हुए हैं, होल्ड करें या सेल करें,
अरुण जी के कहने पर लिया था, प्लीज हेल्प मी। तो जस्ट डायल सर, आपकी रिकमेंडेशन पर इन्होंने जो है ख़रीदा हुआ है, 1041 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है और अभी जो है 1038 का भाव देखने को मिल रहा है। तो इनकी खरीद के इर्द गिर्द ही है, 1-2 रुपए नीचे है, कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा है नहीं। आज ज़रूर 1.25% के आसपास की गिरावट है। क्या सलाह रहेगी सर, अभी होल्ड करके रखें? सर चार्टिकली कहीं पे कोई खराबी नहीं है, हर शेयर रॉकेट की तरह नहीं चलता, कोई कोई शेयर धीरे धीरे जो कहते हैं कछुए की चाल या धीरे धीरे चलते हैं, बट मेरा टारगेट और मेरा कॉल बरकरार है। चलिए, तो कॉल बरकरार है यहाँ पर, ये निकल करके सलाह निकल करके आती हुई। अभी भी बहुत सारे लोग GMR इंफ्रा के बारे में जानना चाह रहे हैं। सर अगर आप लोग कार्यक्रम शुरू से देखेंगे तो आपको GMR पे बहुत डिटेल में राय यहाँ पर मिल जाएगी। सर लेकिन एक क्षेत्र रह गया पावर को लेकर के, काफ़ी सारे सवाल जो है नियमित रूप से हमारे पास आते हैं और आपको, आपसे खासतौर से लोग पूछते हैं, पावर में अभी कितनी पावर बाकी है और पावर में अगर चुनना हो तो अभी भी आप क्या PSU के साथ जाएंगे या आपको लगता है अदानी टाटा जैसी जो कंपनियां हैं वो बेहतर हैं या फिर NHPC इरेडा इनमें आपको दम दिखाई देता है, REC PFC, आपकी राय क्या होगी पावर को लेकर के सर? अभी विपुल जी आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ निवेशकों को आज थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूं। बिल्कुल सर। जब आप पावर क्षेत्र की बात करते हैं तो पावर उत्पादन कंपनी की बात होती है, जब आप इरिडा REC या PFC की बात करते हैं तो ये ऊर्जा जनरेट करने के लिए लोन देते हैं, तो एक तरह से ये एक बैंकिंग की कंपनियां हैं जो खास करके पावर क्षेत्र और पावर क्षेत्र में भी रिन्यूएबल एनर्जी को लोन देने वाली कंपनियां हैं, तो इनको पावर कंपनी से कनेक्ट करना और उसकी तुलना में कंपेयर करना थोड़ा सा गलत हो जाता है। अब अगर आप पावर कंपनियां की बात करते हैं तो सरकारी कंपनी में SJVN, NHPC, NTPC ये कंपनियां खास करके आती हैं। अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में बात करें तो टाटा पावर, अडानी पावर, ऐसे करके ये वो जो कहते हैं एक्टिव कंपनियों के नाम होते हैं। तो आपको ये तय करना है कि आप किस में निवेश करना चाहते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप को एक नाम देकर कंफ्यूजन हो जाता है। अब आपका जो सवाल पावर में दम है क्या, तो पावर के ऊपर तो सब कुछ चलता है, अगर मैं आपको पावर न दूं तो आप मोबाइल फोन कैसे चार्ज कर? बिल्कुल। आप ये जो प्रोग्राम देख रहे हो Money9 का वो कैसे देखोगे, YouTube बंद हो जाएगा। तो दम बहुत है, क्या आपके पास में मौजूदा स्तर पर अपसाइड इमीडिएट दिख रहा है या कुछ कंसोलिडेशन दिखेगा? तो पूरा जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके अंदर में बिना थोड़े कंसोलिडेशन हुए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कुछ समय निकालना पड़ेगा और कोई ना कोई नया ट्रिगर चाहिए कि ये क्षेत्र चले। ठीक सर, चलिए वो ट्रिगर क्या बजट में मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। और हमारे दर्शक हैं आशीष मलिक और इन्होंने Money9 को जो है 100 रुपये जो है ट्रांसफ़र किए हैं और कह रहे हैं कि विपुल सर KNR कंस्ट्रक्शन के शेयर के बारे में बताइए, इन्होंने 312 शेयर लिए हुए हैं 374 रुपये के भाव में और कह रहे हैं प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 374 पे लिए हैं और अब 340 हो चुका है KNR कंस्ट्रक्शन का शेयर, तो नुकसान में है यहाँ पर, 30-34 रुपये पर शेयर इनको नुकसान हो रहा है। और अगर हम इस शेयर की चाल की बात करें पिछले 6 महीने में करीब 30% के आसपास का रिटर्न रहा है, पूरे साल भर में 37-38% का रिटर्न रहा है, लेकिन ये फिलहाल ऊपरी स्तरों में फंस गए हैं। आपकी सलाह क्या होगी इनके लिए? तो देखिए ये वही एक एग्जांपल है कि जब शेयर जोरों से चलता है तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो करके एक बाजार में एक टर्म यूज किया जाता है कि 3-4 दिन शेयर तेजी से बढ़ता है और फिर आदमी कहता है भाई कुछ भी हो आज तो मैं ले लूंगा और उसी दिन शेयर करेक्ट करने लगता है। इनके साथ भी वही हुआ है। इनके लिए अच्छी खबर यह है कि शेयर ऊपर जाकर करेक्शन मोड में है और अब एक साइडवेज पैटर्न बना रहा है जिसमें यह लग रहा है कि कुछ ही समय में, मतलब हो सकता है 2-4-5 दिन में एक बॉटम बन जाए और ये शेयर वापस ठीक ठाक होकर आगे चलने लगे। अगर ये कुछ समय होल्ड करते हैं
तो इसमें इनको एक भाव में सुधार मिल सकता है, लेकिन मैं एडवाइज ये करूंगा कि आप एवरेज न करें, होल्ड कीजिए। आपको नुकसान हुआ है, गिरे हुए शेयर में एवरेज करने की दरकार नहीं है।